नमस्कार। जगदीशपुर प्रखंड के पुरानी दक्षिणी पंचायत में मौजूद हूं मैं। यहां हमारे साथ हैं मोहम्मद शहजादा उर्फ मुन्ना, ये प्रतिनिधि हैं। इनकी पत्नी प्रत्याशी है, उनका नाम बीवी रानी है और वो इस बार चुनाव में अपना किस्मत आजमाने उतरी हैं। हम मुन्ना जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में क्या क्या मुद्दा है, अपने वोटरों से ये कौन कौन से वादे कर रहे हैं, इनके जनप्रतिनिधि द्वारा पिछले 5 साल में क्या क्या विकास कार्य इनके क्षेत्र में हुआ है और यदि ये जीतते हैं तो अपने क्षेत्र में क्या क्या बदलाव लाएंगे। सबसे पहले तो मुन्ना जी, स्वागत है आपका सिल्क टीवी पर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप समाज सेवा से जुड़े रहे, पहले आपने चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति नहीं की, आप पहली बार हाथ आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आप प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी आप ही कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता अपने पुराने जनप्रतिनिधि से खुश है? जनता बदलाव चाहती है, जनता को विकास से कहीं भी संतुष्टि नहीं है, जनता विकास चाहती है। और जैसे अगर देख लिया जाए पुरानी दक्षिणी पंचायत में जल नल योजना का कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है जल नल योजना का। आप घूम के भी देख सकते हैं, जनता से भी पूछ सकते हैं। और इस बार जनता लोग हमको बोला कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, तो मैदान में हम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। और ये विश्वास है कि जनता हमें वोट देगी और जिताएगी। आपने बताया जल नल योजना का कोई काम नहीं हुआ, एक जल की तो ये समस्या है, दूसरी जल की समस्या है। जब आपके इलाके क्षेत्र का मैं भ्रमण कर रहा था तो सबसे विकराल समस्या थी नाले का पानी सड़क पर बहना। एक तो इससे गंदगी होती है, दूसरा आने जाने में परेशानी, बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे गिर पड़ सकते हैं नाले में, ढक्कन नहीं है यहाँ कहीं। ये मुझे लगता है समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि बीमारी को भी यही समस्या जड़ देती है, बीमारी को भी इन्हीं समस्याओं से, नाली के गंदे पानी और सड़क पर जमा पानी से ही बीमारी भी ईजाद होती है। आपको क्या लगता है कि नाली निर्माण या फिर सड़क निर्माण में आपके पिछले जनप्रतिनिधि असफल रहे या फिर सफल रहे? असफल रहे, पूरा से पूरा असफल रहे, तानाशाही भ्रष्टाचारी में रहे, कोई कार्य पर ध्यान नहीं दिए, घर में सोए रहे कि 5 साल आएगा फिर वोट ले लेंगे जाके। अच्छा, इलाके में भ्रमण के दौरान पता चला जो अभी वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के, उनका तीसरा टर्म था ये, वो लगातार 15 साल इस क्षेत्र के मुखिया रहे, दूसरा टर्म रहा था और लगातार 10 साल इस क्षेत्र के मुखिया रहे वो। पर यहाँ की जनता से यदि बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 10 साल में विकास जरा सा भी नहीं हुआ क्षेत्र में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि यदि आप पर आपकी जनता भरोसा करती है, आपको वोट देती है, आपको विजयी बनाती है, तो सबसे पहला ऐसा क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, ऐसा क्या कोड है जिसको आप दूर करना चाहेंगे, जिसका निवारण करना चाहेंगे? सबसे पहला समस्या तो हमारे पंचायत में पानी का है। पानी के कारण हमारा शिक्षा पीछे चला गया है। अगर पानी रहता तो बच्चा लोग स्कूल जाते, यानी कि पानी दिन भर ढोते। पानी की समस्या विकराल है और शुद्ध पेयजल एक बड़ी समस्या है समाज में। यदि शुद्ध पेयजल ना हो तो अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आप जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या वादे कर रहे हैं आप अपने जनता से, चुनाव में जीत के बाद आप क्या करने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर क्या ऐसा सवाल है, क्या ऐसा मुद्दा है जिसको देखकर जनता आपको वोट देगी, आपको चुनेगी? पहला हमारा तो ये मुद्दा है कि पहले हम सबसे पहले अपने पंचायत में पानी लाने का काम करेंगे, दूसरा शिक्षा पे काम करेंगे। पानी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, विकराल समस्या है पानी आपके समाज में, लेकिन और भी कई योजनाएं सरकार लाती रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत तक मुखिया, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद को होती है, पर अधिकतर जिम्मेदारी मुखिया के कंधे पर ही होती है। आपने पानी का नाम पानी को लेकर 2-4 बार बोला, पानी तो एक विकराल समस्या है, साथ साथ जो अनेक योजनाएं सरकार लाती है, क्या लगता है आपको कौन से योजना का काम आपके क्षेत्र में सबसे बेहतर या सबसे विफल रहा? देखिए, हमारे जो मुखिया रहे, हम लोग भी वोट दिए, हम लोग को ठगने का काम किया है। और हमारे पंचायत में पानी तो है ही नहीं, दूसरी की ये बरसात में पानी जो पड़ती है तो नाला भी नहीं, नाला पूरा भरा हुआ है,
कहीं कोई नाले का काम नहीं है। अभी हम क्षेत्र में घूमने के लिए गए थे, गली नाली का कहीं कोई काम नहीं है, पूरा जो है तो कादो कादो में हम घूर घूर करके आ रहे हैं, पूरा पैर डूब डूब जाता है, ठोना पर कहीं डूब जाता है, कभी घुट्टी पर डूब जाता है, कहीं पर जल जमाव अलग है। हम लोग के यहाँ पे किसी का मैयत हो जाता है तो जनाजा ले जाने में भी दिक्कत होता है, किसी भी रोड से जनाजा नहीं जा सकते। हम लोग को अपना जो कब्रिस्तान जिसको हड़वाड़ बोलते हैं वहाँ जनाजा ले जाते हैं, तो न हम लोग पश्चिम के दिशा से जा सकते हैं हड़वाड़ तक, न हम दक्षिण के दिशा से जा सकते हैं हड़वाड़ तक, बहुत घूर के जाना पड़ता है। वो कीला मैदान होते हुए पूरा घूर के जाना पड़ता है, जहाँ 1 किलोमीटर की जगह पे हमको 2 किलोमीटर बुलना पड़ता है। पिछले 10 साल से यहाँ के मुखिया जमे हुए हैं अपनी कुर्सी पर, और शव ले जाने में भी इतना समस्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस हद तक लूट खसोट और कहाँ तक विकास हुआ है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका शाइन, आपका जो छाप है वो कलम दवात है, शिक्षा पर आपका क्या कहना है, आपके क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या क्या किया गया है, या फिर आप इसमें क्या जोरदार कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हमारी शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन रहेगी कि हमारे बच्चे लोग जो बाहर जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जो प्लस टू के बच्चे सब भी अभी बाहर बाहर जा रहे हैं, तो वो सबको भी यहाँ पर लाने का काम करेंगे, जो हमारे बच्चे बच्ची पढ़ेगी अपने पुरेनी गांव में। और वोटर की बात करते हैं तो जितना अहम पुरुषों का मत होता है उतना ही अहम महिलाओं का भी मत होता है। यदि एक समाज में 4 पुरुष हैं तो 4 महिलाएं भी हैं, इसी हिसाब से जितना आपके लिए पुरुष मतदाता इम्पोर्टेंस रखते हैं उतना ही महिला मतदाता भी रखती है। महिलाओं के लिए भी आपने कुछ सोचा होगा, यदि आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुखिया बनते हैं, तो समाज में विकास, समाज का उत्थान तो सबसे ज़रूरी है। अपने युवाओं के लिए या फिर आपने पुरुषों के लिए बताया, महिलाओं के लिए आपने क्या सोच रखा है, गृह उद्योग या फिर ऐसा कुछ ही महिलाओं के लिए? महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सम्मान करेंगे महिलाएं का, जहां तक कि हमारे यहां पे कुछ ऐसा वैसा लोग है, तो उसके लिए हम लोग सोचे भी हैं कि अगर अल्लाह ने हमें जिता दिया तो सीसी कैमरा स्कूल और चौक पर भी लगाने का काम करेंगे। अंतिम और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या लगता है आपको, चुनावी मैदान में आप पहली बार उतरे हैं, जनता का मूड कभी भी बदल सकता है। जो बिहार में राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से होती है, आपके क्षेत्र में भी क्या जातीय समीकरण का कहीं ना कहीं भेदभाव दिखता है, या फिर विकासशील प्रतिनिधि को देखकर यहाँ की जनता वोट करती है? देखिए, जाति पर हम विश्वास नहीं करते, आज नहीं 20 बरस पहले से जाति पे कोई बात हम नहीं करेंगे, जाति पे कोई विश्वास नहीं, हम हर जाति पे बिलोंग हैं, समझ गए? और बात क्या है, हमारे जो है गैर मुस्लिम भाई जो है जिनको हिंदू भाई बोलते हैं, वो भी हमारे भाई है, वो भी हम कलेजे में उसको सटा कर रखते हैं, अगर वो कभी भी अगर वो मर जाते हैं तो अपना ट्रैक्टर वगैरह दे करके उसको हम लोग भेजते हैं, जलाने का काम करते हैं, उसके साथ रहने का काम करते हैं हम लोग। मतलब सामुदायिक तरीके से, धार्मिक या जातीय तरीके से वोट का बंटवारा आपके समाज में संभव नहीं है? ऐसा हम जाति का कोई बात नहीं करते, हम विकास का बात करते हैं, इसलिए कि हम हर जाति में बिलोंग हैं। एक और तरीका होता है वोट को बांटने का या फिर मतदाताओं को बहकाने का, वो है शराब और चिकन। जब सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, पर यदि ग्राम पंचायत चुनाव की बात करें, मुखिया चुनाव की बात करें, तो चिकन और शराब भी एक अहम भूमिका निभाती है। हालांकि शराबबंदी है बिहार में, पर वो सरकारी तौर पर है, वो कहने की बात है। हर समाज में पहले दुकान में शराब मिला करता था, अब होम डिलीवरी हुआ करती है। क्या लगता है आपको, शराब से वोटरों का को कैप्चर करना कहाँ तक संभव है? देखिए, वोटर शराब से या गांजा भांग से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है विश्वास पे। अगर देखिए, हम जनता के साथ रहे हैं, जुट के जनता पे मुझे पूरा विश्वास है कि हमसे कोई भी जनता आज तक, अभी तक, अब चुनाव में 4 से 5 दिन बची है, आज तक हमको कोई भी जनता नहीं बोला है कि हमको 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, शराब पियेंगे या चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, ऐसा कोई मेरे साथ डिमांड नहीं है, और जनता खुद हमको उठाया है, खुद मेरे साथ चलने का काम कर रही है। चलिए, आपने बताया कि जनता ने ना तो आज तक पैसे की डिमांड की और ना ही जातीय समीकरण का यहाँ पर कोई भेदभाव चलता है। अगर ऐसा इस पंचायत में है तो आपका चुनाव सच में निष्पक्ष और बहुत ही सही तरीके से होने वाला है। हमारे साथ मोहम्मद शहजादा थे, इनकी पत्नी बीवी रानी यहाँ से मुखिया की प्रबल दावेदार हैं।
उनके जनसंपर्क अभियान में ये लगे भीड़ हैं। इनसे हमने बात की, इनके मुद्दों को आप तक पहुंचाया, इनके विचार को आप तक पहुंचाया। इन्होंने बताया कि इनके समाज में पिछले प्रतिनिधि द्वारा किस प्रकार से लूट खसोट और किस प्रकार से विकास को रोका गया है। इन सभी चीज़ों को लेकर हम आप तक पहुंचते हैं, आपके पास आते हैं, आपको बताते हैं कि ग्रामीण हकीकत क्या है। बड़े बड़े ढिंढोरे, बड़े बड़े पटाखे लहराए जाते हैं ग्रामीण विकास को लेकर अखबारों में, पर सच्चाई यही है कि गाँव आज भी विकास की ज़रूरत से जूझ रहा है और जनप्रतिनिधि अपने पॉकेट भरने में लगे हुए हैं, चार टांग वाली कुर्सी पर बैठकर अपना सरकार चलाते हैं और ना तो जनता की ना ही अपने ग्राम क्षेत्र की फिक्र करते हैं। ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यदि ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।